दोस्तों फ्री फायर गेम पे न्यू अपडेट के बाद काफी सारे चेंजेस लाया गया है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और इसी के साथ साथ एक न्यू इवेंट भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे इस इवेंट को देख सकते हैं जो कि मैकेनिकल टॉक्सिपन बॉन्डल नाम से है। तो दोस्तों इस इवेंट के माध्यम से आपको मिलेगा रियर बॉन्डल, जैसे कि आप यहाँ पे इस बॉन्डल को देख सकते हैं जो कि मुझे मिल चुका है। तो दोस्तों यदि आप इस इवेंट के माध्यम से इस बॉन्डल को लेना चाहेंगे तो इसके लिए डायमंड से स्पिन करके लेना होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर आप लोगों को इस इवेंट को फुल एक्सपोज करके दिखाऊंगा कि यदि आप इस इवेंट के माध्यम से इस बंडल को अपने फ्री फायर आईडी पे लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास कितना डायमंड होना चाहिए, मतलब टोटल आपका कितना डायमंड खर्च होगा यदि आप इस इवेंट के माध्यम से इस बंडल को लेना चाहेंगे। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइंट होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, बस नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं पिछले वीडियो का गिव अवे कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं हर एक फ्री फायर से जुड़ी जानकारी वीडियोस पे डायमंड या फिर रिडीम कोड गिव अवे करता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो के नीचे मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए कहा था, तो चलिए इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ से कॉपी करके YT कमेंट पिकर का जो वेबसाइट है उसके माध्यम से गिव अवे विनर बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है, उसके बाद एड एक्स्ट्रा एंट्रीज पे टिक मार्क लगा के सिंपली से मैं यहाँ पे गेट यूट्यूब कमेंट के ऊपर प्रेस कर दूंगा। प्रेस करने के बाद दोस्तों उस वीडियो के नीचे आप लोगों ने जितने भी कमेंट किए होंगे वो सारे कमेंट यहां पे आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सारे कमेंट आ चुका है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज का गिव अवे उन्हें कौन बनता है जिसे मैं दूंगा 520 डायमंड का टॉप अप। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों आज का गिव अवे उन्हें बना है रोमियो ओल्ड। तो इन्होंने कमेंट किया है कि ब्रो आमी तुम्हार सब वीडियो देखी, तुम्हार सब वीडियो सोती, ब्रो प्लीज गिव मी डायमंड। इसका मतलब इन्होंने बंगले में कमेंट किया है, तो इन्होंने कमेंट किया है भाई आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है और सब रियल होता है, ऐसा कमेंट किया है बंगले में। ठीक है, तो चलिए इनका URD मैं यहाँ से कॉपी करके इनके URD पे 520 डायमंड भेज देता हूँ। तो दोस्तों यदि आप भी गिवअवे का विनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे अपने दिल से एक प्यारा सा कमेंट करना है और उसके साथ अपना फ्री फायर URD डालना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो फ्री फायर से जुड़ी जानकारी वीडियोस में डालने वाला हूँ उस वीडियो पर मैं गिवअवे कर दूंगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे कोडा शॉप के थ्रू 520 डायमंड भेज देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेटीएम के थ्रू 400 रुपया पे कर दिया है, तो दोस्तों कोडा शॉप के थ्रू 520 डायमंड भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी गिवअवे का विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अभी आप ये देख लीजिए कि यदि आप इस इवेंट के माध्यम से अपनी फ्री फायर में इस बंडल को लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास कितना डायमंड होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने फ्री फायर गेम को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे मैकेनिकल टॉक्सिपन बंडल का ये जो इवेंट है ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए सिंपली से मैं इस इवेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही ओपन कर लेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे डेमो दिखाया जाएगा कि आपको यहाँ पे थ्रो करना है ग्रेनेड से, उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला वाला थ्रो आपको यहाँ पे 9 डायमंड से करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 9 डायमंड से पहला थ्रो कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेता हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल 9 ग्रेनेड से थ्रो करना होगा, तब जाके जो इवेंट है ये कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों पहला थ्रो 9 डायमंड से शुरू होता है, तो चलिए मैं यहाँ पे पहला थ्रो कर लेता हूँ। तो दोस्तों पहला वाला थ्रो में मुझे यहाँ पे गन बॉक्स मिला है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला थ्रो करने के लिए मुझे यहाँ पे 19 डायमंड देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 19 डायमंड से दूसरा थ्रो करके देख लेता हूँ कि क्या होता है, क्या मुझे जो बंडल है ये मिलेगा या नहीं, वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों दूसरा थ्रो में भी मुझे यहाँ पे गन बॉक्स ही दिया गया है। तो दोस्तों अगला थ्रो 29 डायमंड का दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे 29 डायमंड से अगला थ्रो करके देख लेता हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों इस बार भी मुझे यहाँ पे गन बॉक्स दिया गया है, दिक्कत है यार। तो दोस्तों अगला थ्रो करने के लिए मुझे यहाँ पे 39 डायमंड देना होगा। तो दोस्तों यदि आप ये सोच रहे होंगे कि एक दो स्पिन में ही, मतलब एक दो थ्रो में ही आपको ये जो बॉन्डल है ये मिलेगा, तो ऐसा आप मत सोचिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होगा कि एक दो स्पिन में ही ये जो बॉन्डल है ये मिले। तो ऐसे में टोटल कितना डायमंड खर्च हो सकता है वो आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 39 डायमंड से स्पिन कर लिया है और इस बार भी मुझे यहाँ पे गन बॉक्स दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला थ्रो करने के लिए मुझे यहाँ पे 69 डायमंड से
करना होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे कर लिया है और इस बार मुझे यहाँ पे डायमंड कार्ड मिला है। तो दोस्तों अगला स्पिन करने के लिए मतलब अगला थ्रो करने के लिए मुझे यहाँ पे 99 डायमंड से करना होगा जो कि मेरे पास नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे रिडीम कोड से डायमंड परचेस कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जो भी इवेंट मैं कंप्लीट करता हूँ वो मैं खुद के पैसे से ही कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने 400 रुपया का रिडीम कोड अपने पेटीएम से परचेस किया था, तो वो मैं यहाँ पे रिडीम करके 520 डायमंड ले लेता हूँ। तो सिंपली से मैं यहाँ पे रिडीम कोड डाल के यहाँ पे सिंपली से रिडीम के ऊपर प्रेस कर दूंगा तो मेरे प्ले स्टोर पे 400 रुपया ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही वन टैप बाय के ऊपर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वन टैप बाय का ऑप्शन दिया गया है तो इसके ऊपर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और मेरे फ्री फायर आईडी पे 520 डायमंड ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं उस इवेंट को ओपन करके फुल कम्प्लीट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस बार स्पिन करने के लिए मुझे यहाँ पे 99 डायमंड से करना होगा, तो इसके लिए सिंपली से मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। तो दोस्तों इस बार की थ्रो में मुझे मिला है मैजिक क्यूब का फ्रैगमेंट जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों अगला स्पिन करने के लिए मुझे यहाँ पे 149 डायमंड से करना होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पे कर लिया है और इस बार मुझे यहाँ पे मिला है पैराशूट। तो दोस्तों अगला थ्रो करने के लिए मुझे यहाँ पे 199 डायमंड से करना होगा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे 199 डायमंड से अगला थ्रो कर लेता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार क्या मुझे ये जो बंडल है ये मिलेगा या नहीं। अरे यार बॉन्टी टोकन मिला है यार, 199 डायमंड मतलब 199 डायमंड से सिर्फ एक बॉन्टी टोकन, दिक्कत है यार। तो भाई लोग यहाँ पे देख लो, इस बार थ्रो करने के लिए 499 डायमंड से थ्रो करना होगा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास 499 डायमंड नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से टॉप अप करके इस बंडल को परचेस कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे फिर से 520 डायमंड का टॉप अप कर लिया है, तो चलिए फिर से मैं उस इवेंट को ओपन करके उस बंडल को परचेस कर लेता हूँ। जैसे कि ये रहा ये इवेंट जो कि 10 तारीख तक रहने वाला है, चलिए मैं यहाँ पे 499 डायमंड से इस बंडल को ले लेता हूँ। जैसे कि इस बार मुझे यहाँ पे बंडल मिल चुका है और मिलना ही चाहिए क्योंकि और तो थोड़ा नहीं है, लास्ट थोड़ा सा ये, तो ये मुझे यहाँ पे मिल चुका है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप सही से सुन लीजिए कि यदि आप इस इवेंट को फुल कंप्लीट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास कितना डायमंड होना चाहिए। तो दोस्तों इस इवेंट को फुल कंप्लीट करके इस बंडल को लेने के लिए मेरा 1111 डायमंड खर्च हो गया जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास 1111 डायमंड से कम है मतलब आपके फ्री फायर आईडी पे 1111 डायमंड नहीं है तो ऐसे में आप इस इवेंट को कंप्लीट करने को मत सोचिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपने काफी सारे स्पिन कर लिया है लेकिन लास्ट में जो 499 डायमंड से स्पिन करके इस बंडल को लेना होगा वो आपके पास नहीं है, तो ऐसे में बेकार में काफी सारे डायमंड आपका चला जाएगा लेकिन ये जो बंडल है ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आप सोच समझ के इस इवेंट को कंप्लीट करने को ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये जान लिया है कि यदि आप इस इवेंट के माध्यम से इस बंडल को लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास कितना डायमंड होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बस इतना बताना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पर दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।